हेलो व्यूवर्स, तो आज एक कमेंट के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन किनमाडा की ड्राइंग को बनाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले तो आपको एम लिखना है, लेकिन थोड़ा तिरछा करके। अब यहीं से इसे आगे बढ़ाकर हम इसके फेस को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपको इसके बालों को बना देना है एंड इसके फोरहेड पर आपको एक तिलक बनाना है। एंड ऑब्वियस ही बात है, हम इसे एंग्री फॉर्मेट में ही दिखाएंगे। तो कुछ इस फॉर्म में आप इसकी आईज बना दीजिए, थोड़ा सेंटर में आप इसकी नोज को बनाइए एंड इस किनमाडा की ना मूछें भी होती हैं, तो आपको कुछ इस तरह से उसे बना देना है। एंड इस तरह से इसे दिखाना चाहिए कि ये इविल स्मेल पास कर रहा है। यहाँ से सिंपली आप इसकी बियर्ड को बना दीजिए, हाँ इस तरह से। अब ये इसके हेयर्स हैं, थोड़ा पेज को टर्न करके आप इसके हेयर्स को कंप्लीट कीजिए यहाँ तक। तो ये हमने फेस को तो बना लिया है, अब यहाँ से आपको इसके केप क्लॉथ को निकालना है, जो इसने एक रेड कलर का केप क्लॉथ पहना होता है ना वो। तो शोल्डर तक आप इसे बना दीजिए कुछ इस तरह से। और अगर आपके पास भी कोई ड्राइंग का सजेशन है तो आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। बीच में मैंने यहाँ पर स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हम उसके हैंड को बनाएंगे और हमने उसके हाथ में एक भाला भी बनाना है। तो चलिए पहले उसके लेफ्ट आर्म को बना लेते हैं, थोड़ा इसे मस्कुलर दिखाना है आपको। ये बैंगल्स एंड कुछ इस फॉर्मेट में इसके हैंड को बनाइए, ऐसा लगना चाहिए कि इसने अपने हाथों में एक भाला पकड़ा हुआ है। और कुछ एक स्केल या सेट स्क्वायर की हेल्प से आप उसे बना दीजिए। यहाँ पर मैंने सेट स्क्वायर की हेल्प ली है, इसे थोड़ा लंबा कीजिए सबसे पहले। तो आप कुछ इस शेप में एक पेंटागन बनाइए, उसे थोड़ा नुकीला बनाइए, बीच में आपको इस तरह से इसे बनाना है। एंड आपने देखा होगा कि किनमाडा के पास एक वेपन होता है, तो आपको कुछ इस तरह से उसे एक एक्स की शेप में बनाना है। यहां से उसकी राइट आर्म को भी कंप्लीट कीजिए। और इसके हैंड्स को थोड़ा ध्यान से बनाइए इस तरह से। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक हमने इसकी वेस्ट तक की बॉडी को कंप्लीट कर लिया है, अब नीचे आपको कुछ इस तरह से इसे बना देना है। और जब किनमाडा ह्यूमन होता है तो वो एक किंगडम का राजा होता है। आपको उस किंगडम का नाम पता है? यदि आपको उसका नाम पता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। तो ये हमने इसके शूज को भी बना दिया है, अब हमें इसके जो केप क्लॉथ है ना उसे थोड़ा लहराते हुए दिखाना है। तो थोड़ी थोड़ी बीच में आप डिटेल्स को बना दीजिए, यहां से उसके केप क्लॉथ को आगे बढ़ाइए। आप चाहो तो इसे हॉइस्ट करते हुए भी दिखा सकते हो, यानी कि थोड़ा लहराते हुए, लेकिन यहां पर मैंने इस तरह से इसे बनाया है। और इस पे आप थोड़ी लाइंस बना दीजिए थोड़े से डिटेल में दिखाने के लिए। एंड यहाँ पर हमने ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है, ये बियर्ड को आप ब्लैक मार्कर की हेल्प से ही कलर कर दीजिए, ये आईब्रोज
और उसकी मुस्तैश को भी। उसके बैंगल्स को भी कलर कर दो। एंड इसका जो एक्स होता है ना, उस पर कुछ इस तरह का एक ट्रायंगल डिजाइन होता है, तो आप उसे भी बना दीजिए। बाकी के कलर को भी आप इसमें फिल कर दीजिए। तो कलर फिल करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और आप इसे बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि इसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कुछ इस तरह से शेड भी दिखा सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।